नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आने वाले समय में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी है, कैसे आपकी बॉडी को रेडी करना है, क्योंकि डिलीवरी के लिए भी रेडी होना पड़ता है, अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ता है। डिलीवरी ऐसे ही नहीं हो जाती है। आने वाले समय में, मतलब कि अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। तीसरी तिमाही में कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, वही चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तीसरी तिमाही में एंटर करने से ही दिमाग में थॉट आ जाता है कि हमारे आने वाले समय में डिलीवरी होने वाली है और हमें तैयारी करनी है। तो सातवें महीने से ही, जैसे भी आपके पहले 6 महीने बीते हैं, लेजीनेस में बीते हैं, एक्टिवनेस में बीते हैं, कैसे भी बीते हैं, बट आपको आने वाले समय के लिए तैयार होना है। और अगर लेजीनेस में भी बीते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने 2 दिन एक्सरसाइज की या 2 दिन आप एक्टिव रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, इतने दिन से प्रेगनेंसी चल रही होती है तो बॉडी को भी डिलीवरी के लिए रेडी होना पड़ता है। उसके लिए आपको एटलीस्ट 7 मंथ से वॉक स्टार्ट कर देनी है। वॉक तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, कंप्लीट प्रेगनेंसी में करनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपने नहीं की है तो 7वें महीने से तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। डाइट में आपको घी इंक्लूड करना है, बट आखिरी महीने में, 7वें और 8वें महीने में जितना आप नॉर्मली पहले घी खाते थे उतना ही रखिए, उसे बढ़ाने या घटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 7वें और 8वें महीने में आपको एटलीस्ट वॉक करनी है और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ानी है। बेशक आप जल्दी थक जाते हो, रेस्ट कीजिए, दोबारा से उठिए, दोबारा से वॉक कीजिए, बट आपको वॉक इंक्लूड करनी है। धीरे धीरे जैसे आप एक्टिव हो रहे हो, वैसे ही आपको योगासन भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि जब लेजीनेस रहती है प्रेगनेंसी में तो हर एक दिन आपने डायरी में लिख लिया कि हमें ये रूटीन रखना है, बट वो फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 7वें महीने से शुरू करेंगे तो एटलीस्ट 8वें महीने तक तो आप डेली रूटीन फॉलो कर पाएंगे। तो व्यायाम इंक्लूड करना है, योगासन इंक्लूड करने हैं आपको, वॉक तो डेली करनी है मॉर्निंग में या इवनिंग में, और थोड़ा सा एक्टिव रहना है। इसके बाद 8वें महीने में आपको इतना ही करना है। 9वें महीने से आपको एक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ानी है, जैसे कि आपको जो पैल्विक बोन्स होती हैं, पैल्विक मसल्स होती हैं, उनको लूज करना है, जिससे कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आसान हो पाए और आप नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन ना सहें। उसके लिए आपको जो पैल्विक बोन को रिलीज करने के लिए, उनको ढीला छोड़ने के लिए जो भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पोज होता है, या नीचे बैठना होता है, या नीचे बैठ के पोछा लगाना होता है, या ज़्यादातर नीचे ज़मीन पर बैठिए, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो पैल्विक मसल्स हैं वो लूज़ होंगी, और उन्हें लूज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप एटलीस्ट 9th मंथ के स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें करने लग जाएं, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी 15 दिन में हो जाएगी या 20 दिन में या कंप्लीट 9 मंथ पूरे होने पर। तो यही सारी चीज़ें हैं। 9th मंथ में आप अपना घी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच घी की बजाय आप 2 चम्मच कर सकते हैं। 2 चम्मच इन द सेंस है कि आप रात को सोते समय 1 चम्मच दूध में घी डालकर पी सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेंगे प्रेगनेंसी को थ्रू आउट देखने में और आपकी डिलीवरी होने में आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।